नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवलेश और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल कॉमन फंटूस में। तो आज आपको दिखाने वाला हूं मैं भोजपुरी के सिंगर खेसारी लाल की फाइट रानू मंडल जी के साथ में। दोनों में से किसके सुर ज़्यादा ऊंचे लगते हैं और किसकी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है, ये दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं खेसारी लाल की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद में रानू मंडल जी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और कहूं फिलहाल तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और कहूं फिलहाल। क्या बात है यार खेसारी लाल यादव की, कितनी प्यारी और कितनी बढ़िया आवाज़ है बनी हुई। चलिए अब दिखाता हूँ आपको रानू मंडल जी की परफॉर्मेंस। उससे पहले बता दूं कि खेसारी लाल भोजपुरी के बहुत ही हिट सिंगर हैं और बहुत ही हिट एक्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा हिट गाने भी हैं इनके। चलिए दिखाता हूँ रानू मंडल जी की परफॉर्मेंस। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। क्या बात है यार रानू मंडल जी की, यार इस उम्र में ऐसी गायकी और ऐसी प्यारी सी आवाज़, वो भी बिना किसी रियाज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, भाई मज़ा आ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों की कंपेयर की कि खेसारी लाल यादव और रानू मंडल जी में से किसकी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है। तो खेसारी लाल यादव बचपन से अपना रियाज करते हैं, बचपन से ही एक्टिंग सीख रहे हैं और अपना गाना भी सीख रहे हैं, तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा रियाज और तजुर्बा है। भाई रानू मंडल जी बचपन से नहीं सीख रही, ना ही रियाज कर रही हैं, फिर भी इतनी प्यारी आवाज़ है बनी हुई और इतनी मीठी आवाज़ है, मधुर बिल्कुल शहद के जैसी। तो मुझे यहाँ पर रानू मंडल जी सबसे बेस्ट लगती हैं। आपको दोनों में से कौन सा सिंगर अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में घंटा दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।